हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हाउस में। दोस्तों, ये है आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आपकी डेली लाइव क्लास है वो SSC GD की, वो स्टार्ट हो चुकी है। वो रोज़ आपको 7 PM पे मिलेगी, एवरी डे आपको 7 PM पे वो SSC GD क्लास आपको मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आए 7 PM पे, ठीक है दोस्तों। तो चलते तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीदरलैंड में खेले गए हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 किसने जीती? तो आपको पता है हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी हॉकी की, तो हमको उसमें बताना है कि ट्रॉफी किसने जीती, भारत, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है कि ये टूर्नामेंट जीता है और ये 15 बार जीत चुकी है, ठीक है। और उसने क्या है, फाइनल में भारत को हराया है, ठीक है। तो भारत को लगातार 2 बार उसने हराया है, तो भारत लगातार 2 रजत पदक जीते हैं। मतलब पिछली बार का जो चैंपियन ट्रॉफी था उसमें भी उसने, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि 15 बार चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, 15 बार चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन गए दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं या फिर जो भी लाइव क्लासेस की वीडियोस हैं उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसमें डेली एक क्वेश्चन आपके मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द नाइट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहें हमारे साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। 4 से 5 क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में आ रहा है। जैसे आपको पता है ALP का एग्ज़ाम आने वाला है, ALP का एग्ज़ाम क्या है, 8 सितंबर में आने वाला है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स अपने अच्छे करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल होने वाले 5वें भारतीय कौन है? तो हमको बताना है, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम बहुत बड़ा नाम है ये। अगर इसमें कोई सेलेक्ट होता है तो इसका मतलब ये कि वो बहुत बढ़िया हस्ती है, ठीक है। तो इसमें बताना है हमको, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को क्या क्या है कि इसमें शामिल किया गया है। अब ये क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ द फेम 2018 क्या है, भारतीय पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को, उसके अलावा उनके अलावा रिकी पोंटिंग और इंग्लैंड के निवृत्त महिला विकेट कीपर क्लेयर टेलर को भी शामिल किया गया। मतलब 3 लोगों को शामिल किया गया है किसमें, ICC हॉल फेम ऑफ द ईयर। उसमें क्या है, एक तो अपने राहुल द्रविड़ है, उसका रिकी पोंटिंग और उसका क्लेयर टेलर, इन 3 जनों को सेलेक्ट किया गया है। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है इसके ऊपर कि मैं पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म कर सकूं, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है, एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, जिससे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ है कि कौन सा भारतीय शामिल हुआ है, तो वो है अपन राहुल द्रविड़, और 2018 में और कौन कौन शामिल हुआ है, तो वो है रिकी पोंटिंग और क्या है, महिला विकेट कीपर बल्लेबाज क्लेयर टेलर, ठीक है। ये 2 जगह शामिल हुए, और ये कहाँ पर पता चला, आयरलैंड डबलिन में एक समारोह में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, वो देखिए, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव के अलावा कौन सा भारतीय क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल है? तो ये देखिए दोस्तों, टोटल 5 भारतीय शामिल है, 5 में से मैंने 4 के नाम, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव, ठीक है। तो ये शामिल है, 5वां नाम हमको बताना है। तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर। दोस्तों इसका जो आंसर वो क्या है, सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को मिला के 5 क्रिकेटर किसमें शामिल है, ICC हॉल ऑफ फेम 2000 में शामिल है। तो दोस्तों, मैं 4 नाम तो आपको पता है कि भारत के कौन कौन से, राहुल द्रविड़, ठीक है,
राहुल द्रविड़ हो गए, अपने बिशन सिंह बेदी हो गए, कपिल देव हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, और एक अपने अनिल कुंबले। तो कुल मिला के 5 जने हैं, ये 5ों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक मैंने और आता है कि अभी तक 87 क्रिकेट खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, यह आपका बनता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निदेशक और जीएम के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जो यूआईए है, यूआईआई, ठीक है, उसमें अभी बताना है कि किसको निदेशक और जीएम के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो अरुण तेजरा, अरुण शर्मा, विजय श्रीनिवासन या आर के वाजपेयी। तो इसका जो आंसर वो है विजय श्रीनिवासन। तो दोस्तों, विजय श्रीनिवासन को यूआईए का निदेशक चुना गया है हाल ही में। ठीक है, इससे पहले वो क्या करते थे कि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ के महाप्रबंधक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो लोपेज ओब्राडोर, देसफोर्ड, विलियन स्मिथ या जॉर्ज लोन। तो इसका जो आंसर वो है हमारा लोपेज ओब्राडोर। तो लोपेज ओब्राडोर को क्या है, हाल ही में मेक्सिको का राष्ट्रपति घोषित किया गया है, और ये इन्होंने इनका तीसरा प्रयास है। देखो, इनका ये तीसरा प्रयास है राष्ट्रपति पद जीता है, और इन्होंने जो वादा किया है वो क्या है, हिंसा से निपटने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का। तो ये अपने तीसरे प्रयास में राष्ट्रपति बने, कहाँ के, मेक्सिको के राष्ट्रपति। कौन बने हैं, लोपेज ओब्राडोर। तो ये नाम आपको याद रखना है, लोपेज ओब्राडोर तीसरे प्रयास में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, खादी मॉल है वो बताना है कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात या केरल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है, झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड में क्या किया जाएगा, पहला खादी मॉल विकसित किया जाएगा, और ये जो हेवी इंजीनियरिंग निगम है उसको भूमि प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है, पर ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपको फायदा ही होगा। देखिए कैसे, तो हमको बताना, सुरेश प्रभु, सुषमा स्वराज, रामविलास पासवान या विजय रूपाणी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सुरेश प्रभु। तो सुरेश प्रभु को है हमारे। ठीक है, लेकिन मेन बात ये इसमें कि उन्होंने अभी रीयूनाइट नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो क्या करता है, लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए। तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें इसके बारे में बता रखा है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखे जाके, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, प्लेलिस्ट में डेली करेंट अफेयर्स के नाम से। तो आप उसको देखें, और देखो ये डेली करंट अफेयर्स तो आपको रोज देखना है, क्योंकि 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, उसमें भी आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, 30 से 40 कवर क्वेश्चन हो जाते हैं, और उसके बाद अगर एक बार और आप देख लो तो कम से कम ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, बस मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, आप ज़्यादा सुनी हुई बातें ज़्यादा याद होती है, तो आप मेरी बातों को सुने, अच्छे से सुने, तो मैं आपको अच्छा अच्छा मेटर प्रोवाइड करा सकता हूँ। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ज़्यादा शेयर करो उसको, ज़्यादा लाइक करो। ठीक है दोस्तों, और 7 PM की जो क्लास है उसमें आप आइए। ठीक है, बहुत अच्छा मेटर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए अभी परसेंटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12वां मलेशिया ओपन खिताब किसने जीता। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो हमको बताना है, ली चोंग वेई, ली चोंग सी, PV सिंधु, साइना नेहवाल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है, ली चोंग वे। तो ली चोंग वे ने अभी जीता है 15वां मलेशिया ओपन, ये वर्तमान में 6वीं रैंक पे है, यानी छठी रैंक पे है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा अच्छा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो 20,000, 19,500, 18,000 या 17,000। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या है, इसका आंसर है 19,500। तो विश्व पूरा भारतवर्ष में क्या है कि 19,500 मातृभाषाएं बोली जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि बंगाली भाषा बोलने वालों में वृद्धि हुई है। ठीक है,
बंगाली भाषा बोलने वालों में वृद्धि हुई है, एक और भीली नामक एक भाषा है, मातृभाषा है, उसमें क्या हुआ, ये कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। भारत नेपाल संबंधी प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह ईपीजी की नवी और अंतिम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत नेपाल के बीच अभी बैठक हुई थी किसके, ईपीजी के संबंधित, तुमको बताना वो बैठक हुई कहाँ थी, तो काठमांडू, मुंबई, दिल्ली या जकार्ता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है, काठमांडू। तो काठमांडू में ईपीजी और ये संधि हुई थी। ये संधि कब से शुरू हुई थी, फरवरी 2016 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। चैनल हमारा नॉलेज हाउस, इसको सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम ग्रुप आपको मस्ट ज्वाइन करना है, मस्ट ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इसेंशियल है। इसकी PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आपको कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और गाइज, अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे गाइज। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन दबाने से हमारी हर एक वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी।